आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोभी के समोसे। अब समोसे की हम सब्जी बनाएंगे। अब आप सोच सकते होंगे कि समोसे की ग्रेवी वाली सब्जी कैसे होती है, तो वो हम बनाने जा रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए कि गोभी के समोसे की ग्रेवी वाली सब्जी कैसे बनती है। तो यहाँ पे हमने गोभी को लिया है, गोभी को बॉयल कर लिया था टुकड़ों में, और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। और ये एक गाजर लिया था, उसको भी अच्छी तरह से साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये हमने चॉपर लिया है, इसको गोभी को और गाजर को खूब महीन महीन सा हम चॉप कर लेंगे। गाजर हो गया है, अब गोभी को भी हम कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, और चाहे तो चाकू से भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। गैस ऑन कर दी है, पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जो भी आप ऑयल खाते हो वो डाल सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद एक पिंच हींग, थोड़ा सा जीरा। जीरा चटकने के बाद ये हमने अदरक का टुकड़ा लिया था, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। एक हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, और ये जो गोभी को हमने चॉप करके रखा था ये हम इसमें डाल देंगे। गाजर भी, और ये मटर, और इसको अच्छे से हम चला लेंगे। नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर, आमचूर, और ये गरम मसाला पाउडर। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये समोसे की फिलिंग हमारी बनकर तैयार होगी, बहुत ही बढ़िया ये तैयार होगी। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए, ये गोभी, गाजर, मटर अच्छे से ये भुनकर तैयार हो गया है। गैस को हम ऑफ कर देते हैं, और फिर इसके बाद हम ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। अब फिलिंग हमारी बनकर तैयार हो गई। अब हम समोसे के लिए, ये हमने गेहूं का आटा लिया है एक कटोरी, हम इसमें ये नमक डालेंगे थोड़ा सा। आटे को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, और इसका हम सख्त आटा लगाएंगे। ये देखिए, आटा लगकर ये तैयार हो गया है, बहुत अच्छा ये आटा सख्त लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसके समोसे बना लेते हैं। अब इस आटे में से हम छोटी सी ये लोई लेंगे, इसको इस तरह से गोल गोल करेंगे, और इसको गोल बेल लेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से, और थोड़ा सा हम बेलन पे भी लगा लेंगे, और इसे हम बेलेंगे। अब पूड़ी की तरह हमने इसको बेल लिया है, और इसको हम दो टुकड़े कर लेंगे, और फिर ये देखिए ऐसे उठाएंगे, और एक के ऊपर एक इस तरह से हम दबा देंगे। ये देखिए, और ये जो हमने गोभी, गाजर, मटर की ये फिलिंग तैयार की थी, हम इसमें फिल कर देंगे। और एक चुन्नट ये देखिए इस तरह से हम बीच में डालेंगे, और ऐसे दबा देंगे, और एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर। ये देखिए आ गई ना समोसे की शेप। इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे समोसे हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे स्टीम कर लेंगे। एक छलनी लेंगे, इसको हमने तेल से ग्रीस कर लिया है, और इसमें ये सारे समोसे लगा देंगे। अब हमने एक भगोना लिया है, इसमें हमने एक गिलास पानी डालकर चढ़ा दिया है। पानी बॉयल होने लगा है, और जो ये समोसे हमने छलनी में लगाकर तैयार किए थे इसको इसके ऊपर रख देंगे, और इसको हम ढक देंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे ढककर पकाएंगे। स्टीम, इधर समोसे हमारे स्टीम हो रहे थे, तो इधर हमने ये मसाला भी बनाकर तैयार कर लिया है। हमने 4 टमाटर लिया था, अदरक, हरी मिर्च, और खड़े गरम मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, और काली मिर्च, और हमने 100 ग्राम खोया को भी इसी में मिक्सी में चला लिया है। तो ये देखिए अच्छा सा ये फाइन पेस्ट ये हमारा बनकर मसाला ये तैयार हो गया है। अब हम ग्रेवी बनाते हैं। गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें हम ऑयल डालेंगे। गर्म होने पे हम हींग डालेंगे, जीरा, जीरा चटक जाने के बाद ये हल्दी पाउडर, और फिर इसके बाद ये जो मसाला हमने पेस्ट बनाकर रखा था ये हम इसमें डालेंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। ये समोसे स्टीम्ड होकर ये तैयार हो गए हैं, और इधर ग्रेवी भी हमारी, मसाला अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे।
ये मसाला बुनकर तैयार हो गया है। अब ग्रेवी आपको पतली गाढ़ी जितनी रखनी हो उतना पानी आप इसमें डालें। हम इसमें एक कप पानी डालना है, एक कप पानी हम इसमें और डालेंगे। हमने मिक्सी के जार को पानी से खंगाल लिया था तो इसमें हम डालना है। ये ग्रेवी हमारी अच्छे से ये पककर तैयार हो गई है और फिर हम इसमें एक एक कर ये समोसे डाल देंगे और इसको बस हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर गैस को हम ऑफ कर देंगे। ये समोसे की फीलिंग हमारी इतनी सी बच गई है तो ये भी हम इसी में मिला देंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। और ऊपर से ये हरा धनिया। ये समोसे की ग्रेवी वाली सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब आपके पास क्रीम या मलाई घर की हो वो ऊपर से हम डाल सकते हैं। गोभी, गाजर, मटर की ये समोसे वाली ग्रेवी वाली सब्जी ये हमारी बनकर तैयार हो गई। देखने से कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे कभी भी कुछ अलग खाने का मन करे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सभी के साथ आप शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। और इसे आप रोटी, पराठा, नान, चावल किसी के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं।